मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैं ओवरमैन जो डीजीएमएस के एग्जाम में विगत वर्ष में प्रश्न पूछे गए थे उसको अपलोड किया था। दोस्तों, आज मैं आपको एयर वेलोसिटी, हवा की गति माइंड में कितनी रहती है, उस रेगुलेशन 160 को याद करने का ट्रिक बता रहा हूं। दोस्त, वो ध्यान से सुनिएगा, आपको उस रेगुलेशन 160 एयर वेलोसिटी जैसे ही दिमाग में आती है तो आपको बोलना है 30 30 15 60 45 25 75। इस तरीके से इसको याद करना है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, 30 30 15 60 45 25 75। एक बार यानी कि 30 बोल के रुक जाना है, 30 15 60 फिर बोल के रुक जाना है, फिर 45 25 75। इस तरीके से याद करना है। क्या है दोस्तों, फर्स्ट डिग्री गैसी सीन में एयर की वेलोसिटी, सेकेंड फर्स्ट और सेकेंड डिग्री गैसी सीन में तीन कंडीशन दिए हुए हैं उसकी एयर वेलोसिटी, और थर्ड डिग्री गैसी सीन में एयर की वेलोसिटी, जो ये तीनों के जैसा ही है। यहां पर मैं आपको फिगर द्वारा समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये जो 30 है, पहला 30 है, 30 मीटर प्रति मिनट से कम नहीं होना चाहिए, मिनिमम एयर वेलोसिटी इन मीटर पर मिनट, 30 मीटर प्रति मिनट से कम नहीं होने चाहिए। इसको अगर मीटर पर सेकंड में निकालिएगा तो ये जो है आपको हो जाएगी 0.5 मीटर पर सेकंड। तो यहां कहता है रेगुलेशन में आपका कि फेस से तुरंत बाहर के कनेक्शन में, फेस से तुरंत बाहर के कनेक्शन में, जस्ट आउट बाई फ्रॉम द फेस, जस्ट आउट बाई कनेक्शन फ्रॉम दी फेस। तो यहां देखिए, मैं एक फेस बनाने का प्रयास किया हूं, एफ ए सी ई फेस है, जो ये पिलर आपको दिखाई दे रही है, इस फेस से तुरंत जो बाहर का जंक्शन है वो हम कनेक्शन कहेंगे, और यहां पर जब हम एयर वेलोसिटी मेजर करेंगे, हवा की गति, तो वो 30 मीटर प्रति मिनट से कम नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, अब आते हैं फर्स्ट और सेकेंड डिग्री गैसी कैन में, ये जो कॉलम दी हुई है जिसमें तीन सब कॉलम, ये जो रो दी हुई है इसमें तीन सब रो जो है आपको दिए हुए हैं। फर्स्ट रो में कहता है ब्रिटिश पर्दे के इंटेक तरफ। ब्रिटिश पर्दे के इंटेक तरफ का मतलब क्या होता है दोस्तों? ब्रिटिश पर्दे के इंटेक तरफ 4.5 मीटर दूर, फेस से 4.5 मीटर दूर, ब्रिटिश पर्दे के इंटेक तरफ फेस से 4.5 मीटर दूर, जो कि 30 मीटर प्रति मिनट से कम नहीं होनी चाहिए। इसमें हम, मैं फेस दर्शा हूं, अभी फेस से एरो मार्क से आपको दिख रही होगी कि ये 4.5 मीटर की दूरी पर, ये एक पॉइंट मैं इंडिकेट किया हूं जहां पर आपको 30 मीटर प्रति मिनट यानी कि 0.5 मीटर पर सेकंड से एयर वेलोसिटी कम नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, ये हुई ब्रिटिश पर्दे के इंटेक तरफ। ये मैं बनाने का प्रयास किया हूं ब्रिटिश पर्दा, जिसका इंटेक ये वाली हो गई और रिटर्न जो है इधर से हो गई। ब्रिटिश पर्दा जो फेस के पास हवा को कोर्सिंग करके पहुंचाने के काम में आती है। दोस्तों, तो ये पहला पॉइंट जो हो गई सेकेंड रो का, ये जो है पहला पॉइंट ब्रिटिश पर्दे के इंटेक तरफ, क्लियर हो गई होगी दोस्तों। अब आते हैं सेकेंड रो में, सेकेंड रो में ये जो सब रो है उसमें, इसमें कहता है एयर पाइप के हवा छोड़ने वाली मुंह, ये है दोस्तों एयर पाइप, ये आपको गैलरी में बना के दिखाया हूं जिसके सामने ये फेस लिखी हुई है। एयर पाइप के हवा छोड़ने वाली मुंह के 7.5 मीटर बाहर, यहां से आप काउंट कीजिएगा, अपने बाहर की ओर आइएगा तो 7.5 मीटर का जो पॉइंट होगा उसके बाहर आप एयर मेजरमेंट कीजिएगा, वहां पर 15 मीटर प्रति मिनट से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि 1/4 मीटर पर सेकंड से कम नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं तीसरे रो में, तीसरे सब रो में दोस्तों, इसमें कहता है लॉन्ग वॉल फेस के सबसे चौड़ी वाली जगह, लॉन्ग वॉल फेस मैं एक बनाने का कोशिश किया हूं दोस्तों, ये LWF है यानी लॉन्ग वॉल फेस है, जिसके इस पार जो है गोफ है, GOAF गोफ दिखाई दे रही होगी, इस गोफ और फेस के बीच में पावर सपोर्ट, नंबर ऑफ पावर सपोर्ट पूरे फेस की लंबाई में लगे रहते हैं। यहां पर ये इंटेक हवा हुई दोस्तों, ये जो दिखाई दे रही है यहां से इंटेक हवा जा रही है, ये जो है इंटेक हवा जा रही है, और ये जो है
टेल गेट जिसको बोलते हैं उससे जो है रिटर्न हवा जनरली बनाया जाता है। तो रिटर्न एयरवे का सबसे चौड़ी वाली जगह यहाँ पर जो दिखाई दे रही है, जंक्शन दिखाई दे रही है, ट्राईवे जंक्शन जो दिखाई देगी, वो जंक्शन पर ही जो है 60 मीटर प्रति मिनट से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड से कम स्पीड नहीं होनी चाहिए दोस्तों। यहाँ पर आप समझ गए लॉन्ग वॉल फेस के सबसे चौड़ी जगह पर 60 मीटर प्रति मिनट से कम नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से आपको ये जो 30, 30, 15, 60, अब जो 45, 25, 75 कहता है दोस्तों डिग्री थर्ड गैसीय सीम में, जिस डिग्री थर्ड गैसीय सीम में प्लेसेस 1, 2, 3 मैं यहां पर लिखा हूं, ये 1, 2, 3 ही प्लेसेस इनके जगह पर आएगी, यानी कि ब्रिटिश पर्दे के इनटेक तरफ फेस से 4.5 मीटर दूर 45 मीटर प्रति मिनट से कम नहीं होना चाहिए। हवा छोड़ने वाली मुंह से 7.5 मीटर बाहर की ओर 25 मीटर प्रति मिनट से कम नहीं होना चाहिए, और लॉन्ग वॉल फेस के सबसे चौड़ाई वाली जगह पर 75 मीटर प्रति मिनट से कम नहीं होना चाहिए। ये डिग्री थर्ड गैसीय माइंस हुआ, और डिग्री फर्स्ट सेकंड के लिए आपने 3 कॉलम में पिक्चर बना करके समझने का प्रयास किया है दोस्तों। तो ये हो गई हवा की गति दोस्तों। मिश्रा सर माइनिंग क्लास चैनल जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करते हुए, लाइक तो बहुत सारे कर रहे हैं, यहाँ तक कि जो है उसके व्यूअर्स है बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ रहे हैं, लेकिन दोस्तों सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते जो है ये चैनल की रैंकिंग खोजने में रैंकिंग ऊपर नहीं हो पा रही है, और आपकी देखने में थोड़ी टाइम लगती होगी, तो इसको सब्सक्राइब करके इसकी रैंकिंग को ऊपर करने का कोशिश कीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि कोई भी यहां पर क्लास में अपलोड जब वीडियो की जाती है तो आपका पास जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।